गुलामों की बहुत फरमाइश है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इस गजल को जीतापुर में पढ़ के जाऊँ। सफर समझते हैं दो घड़ी के साथी को, सफर समझते हैं। किस कदर पुराने हैं हम नए जमाने में, आधी उम्र गुजरेगी तुझसे दूर जाने में, आधी उम्र गुजरेगी तुझसे दूर जाने में। जो मेरे नौजवान भाई हैं का तालीब हो, मोहब्बत का एक अपना अलग मकाम है, लेकिन आजकल दोस्ती का एक अलग मकाम है, दोस्ती का एक अलग मर्तबा है। तवज्जो के साथ मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहां हैं वो लोग जो ये कहते थे कि रस्ते में बिखर जाऊंगा, जो ये कहते थे कि रस्ते में बिखर जाऊंगा, क्योंकि धोखा वफा की राह में खाए हैं हम जरूर, धोखा वफा की राह में खाए हैं हम जरूर, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी जमीर का सौदा नहीं किया, लेकिन कभी
बड़ी मकबूल कर रहा है, मेरा ऐसा समय ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दुश्मनों उस्ताद है ये, साथ में रखा करो आदत की तरह। जो सुनाऊंगा वजनदार सुनाऊंगा, हल्का सुनाने की आदत नहीं मुझे। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। शायर साहब, तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया, वो मुझे छोड़ने वाला था इबादत की तरह। भाई आजकल मुझे उतनी दोस्ती पे भरोसा नहीं जितना दुश्मनों पे है, क्योंकि कम से कम वो मुखालिफत अगर दुश्मनी करते हैं तो खुल के करते हैं, बता के करते हैं कि मैं दुश्मन हूं, दोस्तों की तरह पीठ पीछे वार नहीं करते। दुश्मनों से मोहब्बत करो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, इनकी फितरत में धो, दुश्मनों से मोहब्बत करो, इनकी फितरत में भोपा नहीं, यार बन कर गला काटना, यार बन कर गला काटना, दुश्मनी में ये हो, आ गया।
तवज्जो, अना परस्त है बेबाक आदमी होगा, अना परस्त है बेबाक आदमी होगा। पूरी महफिल जरा इन चार मिसरों पे तवज्जो दे भाई, जरा सुनना, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। अना परस्त है बेबाक आदमी होगा, वो झूठ कहता है चालाक आदमी होगा, जो साथ रह के गला काटे साथ वालों का, जो साथ रह के गला काटे साथ वालों का, वो सांप से भी खतरनाक आदमी होगा। भाई जमील भाई, ये चार मिसरे मेरे बड़े भाई के याद आ गए, शुक्रिया। शीशा टूटे गुल मचा गए, शीशा टूटे गुल मचा गए, दिल टूटे आवाज ना आए, फूल मचाए दिल टूटे आवाज न आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, दोस्त डसे तो प्राण बचाए, इसमें और भी मजा आएगा अगर जीतापुर के लोग मेरे साथ बोले तो, क्योंकि मैं जान रहा हूं आप लोग के दिलों पर है, आप लोग बोलना चाह रहे हो, जरा साथ में बोलना। शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे दिल टूटे आवाज न आए, कितने लोग नौजवान यहां बैठे, जरा अपना अपना हाथ उठा दे।
किसी और के हो गए। तुम किसी और के हो गए, हमसे अब कोई रिश्ता नहीं। मैं तो कहता हूँ धोखा नहीं, मैं तो कहता हूँ धोखा नहीं। आप कहते हैं धोखा ऐसी महफिल बनती है। कल हवा ने बड़ा नुकसान किया था मेरा। कल हवा ने बड़ा नुकसान किया था मेरा। रोशनी उसकी थी मिट्टी का दिया था मेरा। रोशनी उसकी थी मिट्टी का दिया था मेरा। सिर्फ दुश्मन ही नहीं थे मेरी बर्बादी में, दोस्तों ने भी बहुत खून पिया था मेरा। क्योंकि एक सिपाही घर से निकला और कलंदर बन गया, जिसने पीछे की तरफ देखा वो पत्थर बन गया। धीरे धीरे दोस्त मेरे दुश्मनों से जा मिले, रात रानी की जड़ों में सांप का घर बन गया। आसिफ चचा हैं, इनका शेर दे रहा हूं, मतलब ही नहीं कथा, शेर सुनिएगा। जब तलब, मेरी लाइफ में ऐसा भी हुआ, बहुत से लोगों ने सिर्फ नाम के सहारे दिए। सबकी लाइफ में ही होता है, सबकी पर्सनल लाइफ में होता है कि आप आगे बढ़ो, मैं पीछे से आपको सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन शेर सुनिएगा। जब तलब आजमाया न था अफरोज भाई, जब तलब आजमाया न था दोस्तों को तोड़ने के सब। जीशान भाई बनारस उजाला, आपने 200 रुपए दिए, शुक्र गुजार हो। जब तलब आजमाया न था दोस्तों को तो अपने थे सब। जब से
परखा है तन्हा हूँ मैं, जब से परखा है तन्हा हूँ मैं, अब मेरा कोई अपना अलग हटकर दे रहा हूं। कौन कौन यहां मोहब्बत के मारे बैठे हुए, जरा हाथ उठा दे। मैं बड़ा अलग टाइप का फनकार हूं, थोड़ा हंसी मजाक भी करता रहता हूं अपनी से। किसने किसने मोहब्बत की है? थोड़ा संभाल के हाथ उठाना, हो सकता है पीछे आपके वाली साहब भी बैठे हों। क्योंकि रास्ता एक सच्चा आशिक है अपने महबूब से क्या कह रहा है। रास्ता रास्ता रोना जी जी खेर में तवज्जो पब्लिक डिमांड रास्ता तेरा तकते हुए रास्ता तेरा तकते मेरी आंखें भी पत्थरा गई जिंदगी भर
जिंदगी भर हम तुम्हारा गम उठाते ही रहे, जिंदगी भर हम तुम्हारा गम उठाते ही रहे, रोज पुरवाई के झोंके दिल दुखाते ही रहे, सोचते थे हम भी तुमको भूल जाएंगे, मगर आखिरी दम तक हमें तुम याद आते ही रहे। क्योंकि अंकल शुक्रिया, जिनसे कायम जिंदगी थी वो ना आए, क्या करूं क्या करूं, जिनसे कायम जिंदगी थी सिजान भाई वो ना आए, क्या करूं, आंख जिनको ढूंढती है वो ना आए, क्या करूं क्या करूं, रास्ता जिनसे नहीं था वो चले आए, मगर अरे आशनाई जिनसे की थी वो ना आए, क्या करूं। थोड़ा पब्लिक की फरमाइश है, रोना जी आपसे प्रोग्राम रहता है, बड़ा मजा आता है, और आज अल्लाह ने आपके चेहरे पे एक अलग नूर दे दिया, चमक रही है आज, नहीं हकीकत है, अल्लाह इस चमक को बरकरार रखे। बोलो आमीन, सुम्मा आमीन। आप तो जानती हैं, आपके पूरा हिंदुस्तान जानता है मैं उस टाइप का पत्रकार नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा आपसे तवज्जो ले रहा हूं कि रास्ता तेरा तकते हुए मेरी परवीन रौनक परवीन, रास्ता तेरा तकते हुए मेरी आंखें भी पथरा गई, अब तो आजा खुदा के लिए, अब तो आजा खुदा के लिए। धड़कनों का भरोसा जाने जमील भाई, अल्लाह ने मुझे बड़ा चुटके बनाया है, हकीकत है, क्योंकि चाचा का शेर है, यार तेरी दगाबाजी पर इसीलिए अकल हैरान है, यार तेरी दवा
एक शेर पढ़ा, आपने अपना मुंह क्यों उधर कर लिया, क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई, क्योंकि रमन जी ये शेर मेरा सुनिएगा भाई साहब। सब ये कहते हैं इस शहर में, ये अली जनाब उस्ताद शायर हैं, फाखिर अदीब साहब, उनका शेर बनाई था फरमाए। सब ये कहते हैं इस शहर में एक से बड़ी केक हुस्न है, बड़े के एक हुस्न है। रोनो जी, जाने आंखों को क्या हो गया, जाने आंखों को क्या हो गया, तुझ सा कोई भी दिखता नहीं, चलिए आइए ये भाइयों की मोहब्बत है। मैं कह रहा हूं आप चलिए आइए, जाने आंखों को क्या हो गया, जाने आंखों को क्या हो गया, तुझ सा कोई दिखता नहीं, एक हुस्न है, जाने आंखों को क्या हो गया, जाने आंखों को क्या हो गया। तुझ सा कोई जिगली जोरदार ताली। मैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कम लेडीजों से कहता हूं जिनमें नाम आता है रौनक परवीन जी का, शुक्रिया। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, तेरी तस्वीर से करता था बातें, मेरे कमरे में आईना नहीं था, नहीं था, मनाने रूठने के खेल में हम बिछड़ जाएंगे ये सोचा नहीं था। जाने
हंसना बहुत जरूरी है, मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मेरे माँ बाप ने मुझको सिखाया, बेटा हमेशा मुस्कुराते रहो, आधी दुनिया तो ऐसे जीत लोगे सिर्फ मुस्कुरा कर, क्योंकि यूं ही बस चाहते रहना कोई चाहत ही नहीं, यूं ही बस चाहते रहना कोई चाहत ही नहीं, आपसे अब हमें इम्कानी मोहब्बत ही नहीं, जो चाहते हैं लगे दाम तो हंसते रहिए, क्योंकि उदास चेहरों की बाजार में कीमत ही नहीं। अल्लाह गवाह है, इस पूरी गजल में सबसे अच्छा शेर जो मुझे लगता है वो मैं आप पढ़ने जा रहा हूं। ये जितने भी नात रिश्तेदार भाई बहन दोस्त अहबाब जीतापुर के लोगों जरा गौर से सुन लो, ये जितने हैं सब झूठ है, सिर्फ एक सच्चा रिश्ता है। तवज्जो का ताली भाई, जिनको अपना समझता है तू, ये शेर मेरा बड़ा वायरल हुआ, जिनको अपना सुनाते जाइए, शर्त यह है मुस्कुराते जाइए, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। जिनको अपना समझता है तू, इन पे इतना तकब्बुर न कर, अगर लगे कि हक बात है तो साकिब और पूरी पार्टी को दुआओं से नवाजिएगा। जिनको अपना समझता है तू, अफरोज भाई, इन पे इतना तकब्बुर न कर, छोड़ देंगे तुझे कब्र में, छोड़ देंगे तुझे कब्र में, जैसे फिर कोई रिश्ता चाहने वाले, ये तेरे दोस्त तेरे भाई तेरे घर वाले, तुझको मिट्टी में मिला देंगे तू समझता क्या है, रिश्ता।
ज्यादा तुझसे ज्यादा समझता हूँ मैं तेरी चालाकियों को सनम सनम इश्क में तेरे पागल तो इश्क में तेरे पागल तो इस कदर भी मैं डूबा नहीं भाई। आखिरी शेर दे रहा हूं वक्ते का फाकिर अदीब जी का, क्योंकि जिसे हम मोहब्बत करते हैं अगर वो खफा हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जिसकी चाहत में हंसते हुए नौजवान भाई सुनना, जिसकी चाहत में हंसते हुए हमने फाखिर लुटा दिए शुरुआत फिर पूरी करके जा रहा हूं, लेकिन साथ में बोलना जरा। शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे दिल टूटे आवाज ना आए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे से तो दोस्त